रेगुलेटर फसई ने क्विक ई कॉमर्स कंपनियों के लिए रेगुलेशन को और सख्त करने की बात कही है। फसई ने इसे लेकर एक बैठक की और उसमें कहा कि जल्दी डिलीवरी के नाम पर नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। आज बैठक में ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट जैसे प्लेयर्स यानी जो क्विक ई कॉमर्स में शामिल हैं वो इस बैठक में शामिल थे। फसई ने ई कॉमर्स की इन कंपनियों से जुड़ी सभी जो वेयर हाउस है उसमें फूड स्टैंडर्ड के पालन की हिदायत दी है। मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अमरीश पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमरीश बताएं जरा, सबसे पहले तो फसई को इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या आपको लगता है कि इसके बाद इसकी प्रैक्टिसेस रुकेंगी? देखिए स्मिता, लगातार इस बात की शिकायतें ग्राहकों की तरफ से हो रही थी कि जो प्रोडक्ट उनके पास डिलीवर हुआ है वो एक्सपायरी डेट के नजदीक था या फिर वो एक्सपायर हो रहा था अगले दिन ही। तो इस बात की बढ़ती शिकायतों से और एनसीएच पर भी इसकी शिकायतें थी, इसलिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय से भी इनको इनपुट मिला था फूड रेगुलेटर को। लिहाजा इस तरह की एक बैठक बुलाई गई जिसमें कि सभी तरह के जो क्विक कॉमर्स कंपनियां उनको शामिल किया गया और जितने भी कंपनीज हैं जो कि इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए प्रोडक्ट मुहैया कराती हैं उनको भी शामिल किया गया। मसलन हल्दीराम, बीकानेर, भुजियावाला, इसके अलावा ब्रेड, बिस्किट, दूध तक के सप्लाई वाले सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनको इसमें शामिल किया गया था। लगभग 200 कंपनीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस बैठक में, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और उनसे साफ तौर पर कहा गया कि ग्राहक को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो जाने कि उसको जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। और आपका जो वेयर हाउस है, अगर आपको लगता है कि क्विक सर्विस के लिए आपको वेयर हाउस में सब सामान स्टोर करने की जरूरत है तो आप उसके लिए बाकायदा एक डेटाबेस मेंटेन करें और कम से कम 30% जो प्रोडक्ट्स हैं आपके उसके लिए या फिर लगभग सभी प्रोडक्ट्स के लिए 45 दिन मिनिमम की जो एक्सपायरी डेट है उसको मेंटेन करना जरूरी होगा। इसके साथ ही वेयर हाउसेस का जो फूड स्टैंडर्ड का जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसको पालन करना होगा। बिना फूड रेगुलेटर के पास रजिस्टर किए कोई भी इस तरह की वेबसाइट, इस तरह का प्लेटफॉर्म या फिर इस तरह का डिलीवरी प्रोग्राम नहीं चला सकता है। इस तरह की तमाम हिदायतें आज दी गई। पीछे इसकी वजह मात्र इतनी थी कि खराब क्वालिटी का सामान, एक्सपायरी डेट के नियर नजदीक का सामान, ये ग्राहक की जेब पर भी भारी, सेहत पर भी भारी पड़ रहा था। उसको ध्यान में रखते हुए फूड रेगुलेटर ने सुनिश्चित किया है कि कंपनियां इस बात को लेकर आगे बढ़े और उसके लिए उनको और अमरीश, क्या इस बैठक का जो मेन मोटो था वो नियर टू एक्सपायरी पर ही बात करना था या फिर जो एडिशनल सरचार्जेस लगाए जाते हैं इन कंपनियों के द्वारा, खास करके जो ये क्विक कॉमर्स वाली कंपनियां हैं जो एडिशनल आपने देखा होगा जब ऐसे टाइम पे डिलीवरी करती हैं जब डिमांड बहुत ज्यादा रहती है तो हाई डिमांड सरचार्ज भी ये लगाती हैं, क्या इन सबको लेकर भी बात हुई उसमें? देखिए हाई डिमांड की शिकायतें बहुत कम थी लेकिन उस शिकायत पर भी एक चर्चा जरूर हुई थी। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि आपको अगर प्रोडक्ट डिलीवरी करने में कम समय में डिलीवरी करने के लिए ज्यादा पैसे लेने हैं तो आप ग्राहक को पहले ही बता दीजिए कि इस समय में अगर वो डिमांड करता है तो उसको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते कि त्यौहार का समय है तो उसमें फेस्टिवल का एक सरचार्ज जुड़ेगा, इसके अलावा ट्रैफिक का एक सरचार्ज जुड़ेगा, इसके अलावा शाम के समय में ज्यादा पैसे देने हैं और सुबह के समय में कम पैसे देने हैं, इस तरह की चीजें अलग अलग दिन के समय में नहीं हो सकती हैं। एक शेड्यूल होना चाहिए जिसमें साफ तौर पर हो कि अगर आप दिन के इस टाइम पे लेते हैं तो ज्यादा पैसे देने हैं, शाम के इस टाइम पे लेते हैं तो कम पैसे देने हैं, ये क्लियर होना चाहिए और ये वेबसाइट पे मेंशन होना चाहिए, ऐप पे साफ तौर पे दिखाई देना चाहिए कि इस तरह के हमारे चार्जेस हैं, इस तरह का हम लेबलिंग करते हैं। मिसलीडिंग किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं होना चाहिए। आप 5 मिनट में डिलीवरी करने के लिए अगर आप खराब क्वालिटी का सामान देते हैं तो इससे बेहतर है कि आप 20 मिनट में डिलीवरी करें, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन करना है और इसको सुनिश्चित करना होगा, इसके लिए 15 दिन की डेडलाइन उनको दी गई है। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका अमरीश। तो कुल मिलाकर रेगुलेशंस तो हैं, अब देखना यह होगा कि क्विक कॉमर्स कंपनियां इसको कितना मानती हैं।